याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मैंने आपके लिए सभा की थी और मैंने तब आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी पहचान दिलाएगी, भयमुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश देकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, भाइयों बहनों, भदोही के साथ मेरे सही भाइयों बहनों, मुझे बताइए क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली देने में कोई भेदभाव तो नहीं होता है? कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। आप मुझे बताइए कि वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा है? याद करना, अगर सपा बसपा की सरकार होती वैक्सीन को भी लोग मार्केट में प्ले कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले भाइयों बहनों, यही गरीब का राशन सपा के गुर्गे या मोहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब को कुछ नहीं मिलता था। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है। और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए कन्यादान की राशि को 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे। पिछले 5 साल 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। अगले 5 साल के लिए हर परिवार के विश्वस्य को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ हम कार्य करते हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में प्रदेश के नौजवानों को वितरित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, हमने तय किया है 10 मार्च का सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। सरकार के लोग परेशान है, ये पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा देखो, तुम्हारी संवेदना तो गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं थी, बुजुर्गों के लिए नहीं थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, पेशेवर माफिया अपराधी और दंगाइयों के प्रति थी, आतंकवादियों के प्रति थी, इसलिए विकास नहीं करा पाए। समाजवादी पार्टी का एक नेता मुझसे बहस कर दिया, कहा कि हमने ही विकास करा है। मैंने कहा कोई एक विकास को बताओ। और जो मैंने उन्होंने क्या बताया मालूम है? उन्होंने गिनाया, उन्होंने मुझे बताया, एक समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात जब आती है तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का
का निर्माण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। मथुरा सज रही है, संवर रही है, मां विंध्यवासिनी का धाम एक बार फिर से चमक रहा है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे, रेलवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एक्सपो मार्ट, ये सभी एक नई पहचान के साथ आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने के साथ ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। मैं जब आपकी आते आपका में देख रहा था कि विकास और भय मुक्त वातावरण का प्रतीक उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर भी यहां पीछे खड़ा है। और भाइयों बहनों, विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चले, क्या चलने चाहिए ना, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अधिक से अधिक सीट आनी चाहिए। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी ने जो काम हमने औराई के लिए, भदोही के लिए, ज्ञानपुर के विकास के लिए उतना कार्य करवाया है और जो बचेगा उसको फिर अगले कार्यकाल के दौरान सरकार कराएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दमदार सरकार के लिए ज्यादा विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। आप दमदार सरकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से भी नहीं बना के भेजेंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता तक हमारे संदेश को पहुंचाएंगे और ये बोलेंगे ना कि भय मुक्त वातावरण के लिए, दंगा मुक्त वातावरण के लिए, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बननी आवश्यक है। इसको बताएंगे 7 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान होना है, सभी को मालूम है ना, आज सायकाल प्रचार बंद हो जाएगा, ये भी जानते हैं ना। तो आप लोग अगले 24 घंटे घर घर जाकर के रविन्द्रनाथ त्रिपाठी बनकर के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। भाइयों बहनों, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सांसद एक चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान पहले मतदान सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ पाकर के मेरे साथ बोलो।